हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि। स्वागत है आपका शशि की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल कटलेट बना के। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही अच्छा नाश्ता है, बहुत जल्द बनने वाला है और आप इसे जरूर बनाइएगा। और ये बिल्कुल नमकीन, आप इसे ग्रेवी के साथ भी सब्जी बना सकते हैं। ग्रेवी वाली अदरक लहसुन का पेस्ट बना के आप इसके ग्रेवी करके सब्जी खा सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के, ये देखिए बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा सा ही नाश्ता बना हुआ। मैंने मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज और ये कड़ी पत्ते का तड़का इसमें दिया हुआ है। और आप इसे हरी चटनी, लाल चटनी या सॉस किसी के साथ भी ले सकते हैं और बच्चों को खिलाइएगा। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आइए मैं बताती हूँ इसको बनाने की विधि। देखिए फ्रेंड, मूंग दाल कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए ये मूंग दाल भिगा के जो रखी है मैंने, 4 से 5 घंटे भिगा के रखी, साफ धो करके ये मूंग दाल रखी हुई है। और इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, कुछ कलिया लहसुन की और ये अदरक के छोटे टुकड़े। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये मिक्सर खा लूंगी, इसमें ये सारी दालें डालूंगी। सारी दाल हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें ये 4 से 5 हरी मिर्चें, ये लहसुन और ये अदरक डाल दूंगी। और ये स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये आधी चम्मच जीरा, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी हरा धनिया मेरे पास है नहीं तो मैं यही चीज़ें डाल के इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। और देखिए ये पीस लिया मैंने। अब हमें आगे क्या करना है ये मैं बताती हूँ। ये अच्छे से पीस गया, आइए बताते हैं अब क्या करना है। अब हमने गैस में कढ़ाई रख दी है, इसमें ये तेल डाल दूंगी मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालूंगी मैं ये आधी चम्मच हींग और जो ये कटलेट का बैटर बनाया है मैं इसमें ये डालूंगी। भून लेंगे हम अच्छे से इसको। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ना दे, अच्छे से भून लेना ताकि इसमें दाल की, मूंग दाल की महक ना आए। ये देखिए और कम आंच में भूनना है इसे, आंच को मीडियम रख के अच्छे से भून लीजिए। बिल्कुल एक टक से ये समझिए कि ये मूंग दाल का हलवा बन रहा है। अब देखिए ये भून गया अच्छे से, इसने अपनी जगह छोड़ दे दिया, कढ़ाई को छोड़ दिया, मतलब अलग डो बन गया है अच्छे से। ये डो बन के तैयार हो गया और इसको हम हल्का ठंडा होने देते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप एक प्लेट लीजिएगा और इसे घी से मोयन कर दीजिएगा ऐसे। और अब ये गर्मा गर्म निकाल लीजिएगा और इसमें, और इसका एक शेप बना लीजिएगा हाथ से दबा दबा के। गरम है तो आप थोड़ा पानी लगा लीजिएगा। ये देखिए पानी लेके, हाथ अगर गरम लग रहा है तो हाथों में आप पानी लेके इसका शेप बना लीजिए अच्छे से। हाथों से इसका शेप बनेगा, देखिए अच्छा सा शेप बन गया। अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे और आप चाहे तो अभी इसमें थोड़ा सा चाकू की सहायता से कट लगा ले, कैसे भी पीस आप बना ले, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और या बर्फी पीस चौकोर में। तो मैं से अभी से कट लगा देती हूँ ताकि थोड़ा और ठंडा होने पे ये टूटे ना। देखिए इसके साइड के पीस आप हटा दीजिए ताकि इसमें अच्छा सा शेप आ जाए चौकोर पीस के। और इसे अब रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और इसे 5-7 मिनट बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा करा। इसे हमें फ्रीज में नहीं रखना है। और अब मैं ये एक एक, देखिए कितने अच्छे से ये पीस निकल रहे हैं और एक एक पीस करके ये हमने ऐसे करके निकाल के रख देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी और ककलेट बने हुए हैं ये।
मूंग दाल के, और हेल्दी रेसिपी है, इसे हम नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, और आप चाहे तो इसमें अब ये तड़का भी लगा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं ग्रेवी वाली। आइए मैं इसमें ऐसे भी खा सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे भी ले लीजिए। आपको अगर इसे फ्राई नहीं करना है, मैं इसे थोड़ा फ्राई करके भी दिखाती हूँ। अब आपको इसे आप पैन या तवा ले सकते हैं, मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया है और उसमें तेल डाल दिया, हल्का सा गर्म होने देंगे। नहीं, तेल गर्म हो गया, देखिए इसमें डालूंगी मैं ये काली मस्टर्ड सीड यानी, और ये कड़ी पत्ता, ये सरसों बीज, और अब हम इसमें ये डाल देंगे मूंग दाल कटलेट, इनको थोड़ा सा भूनने देंगे। आप चाहे तो इसे टमाटर अदरक लहसुन की ग्रेवी बना के इसकी सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी भी बनती है, मगर मैं इसे ऐसे यूज करूंगी खाने के लिए, बच्चों को, मेरे बच्चों को ये ऐसी पसंद है। और इसे अच्छे से भूनने देंगे नीचे से, देखिए अब इनको पलट देंगे अच्छे से। ये देखिए ये ब्राउन हो गया, ऐसे करके आप सारे पलट लीजिए। देखिए और बहुत ही अच्छा नाश्ता, ये टेस्टी हेल्दी। ऐसे सारे पलट लीजिए, देखिए तो ये रेडी हो गया हमारा हेल्दी नाश्ता, मूंग दाल का कटलेट। आप भी जरूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। फ्रेंड लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। अब कर देंगे हम गैस की फ्लेम बंद, और अब इसे हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। आप दोस्तों इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा और खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, बाय बाय।